नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए मतदाताओं के सम्मेलन में बोल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भारत के मतदाताओं के बहुत ही प्रिय नेता बन चुके हैं। देखिए और सुनिए उनके भाषण के मुख्य अंश। देश के सबसे बड़े यूथ आइकॉन माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा साथी, अन्य पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के मेरे नौजवान साथी, शायद मेरे जीवन में इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है, नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं
जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है और दूसरा कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसे में जिले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह, याद रखिए दोस्तों, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो, ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट
और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहले भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेता है। दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। आप देखिए, ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का चार दशक का इंतजार समाप्त किया। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने जीएसटी जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू कर देश का कई दशक पुराना इंतजार समाप्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। ये हमारी सरकार है जिसने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। ये हमारी सरकार है जिसने तीन दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। ये हमारी सरकार है जिसने एससी एसटी ओबीसी का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो नीति में निर्णयों में स्पष्टता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों, मैं बताता हूं, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना, तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है,
140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं और ये दुनिया को प्रभावित करता है। ये ताकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा जाता है और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। कभी सोना गिरवी रखना पड़ता था, आज दूसरी स्थिति है। ये देश में रोजगार के भी नए मौके लगातार बना रहा है। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय है। 10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया था। उस समय आप में से बहुत सारे लोग, कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, हो सकता है उस समय की सारी स्थितियां आपको पता भी ना हो। आज स्थितियां बदली है। हम आज जिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उम्मीद तक छोड़ दी थी। आप में से कई न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस सेक्टर में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। लेकिन 2014 से पहले के अखबार खोलिए, आजकल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तब आए दिन, वो जमाना था, तब आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी। हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले सामान्य बात थी। आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सड़कों पर उस समय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। मुझे संतोष है कि हम उस अंधकारमय स्थिति से देश को बाहर निकाल पाए हैं। आज करप्शन की नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आज स्कैम की नहीं, सक्सेस स्टोरीज की बात होती है। तब भारत फ्रेजाइल 5 में था। दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। अर्थव्यवस्था के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को ही होगा। उनके लिए नए नए सेक्टर्स में रोजगार के बहुत सारे नए मौके आएंगे। इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। साथियों, आज का भारत सबसे युवा है। इसी युवा प्रेरणा से आज का भारत
बड़े लक्ष्य तय करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। सोलर एनर्जी से जुड़े कितने ही लक्ष्य, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े लक्ष्य भारत ने तय समय से पहले हासिल करके दिखाए हैं। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रकृति की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है। आपने देखा है, भारत की रेलवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा है। आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है। इसी 22 जनवरी को सरकार ने सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब साथियों का, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही, कुछ लोगों का तो जीरो बिल हो जाएगा, वो सिर्फ बिल नहीं अपने घर के छत पर जो बिजली पैदा करेंगे वो बिजली सरकार खरीदेगी और ये परिवार बिजली बेचकर भी पैसे कमा सकें। साथियों, आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आशाओं से देख रहा है। आप 21वीं सदी के युवा हैं। आपके पास हजारों साल की विरासत है और इंटरनेट एज में फ्यूचर अप्रोच को देखने का सामर्थ्य भी है। दुनिया में ऐसी कोई युवा पीढ़ी नहीं है जिसके पास रामायण और गीता की प्रेरणा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने का स्कोप दोनों हो। आपके पास ट्रेडिशन की भी ताकत है और टैलेंट की भी ताकत है। आपके पास इंस्पिरेशन भी है, इनोवेशन भी है। आपके पास संभावनाओं का आसमान है और साथियों, आपका सामर्थ्य और बढ़े, आपके हर सपने पूरे हो, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। और नौजवानों, ये मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए, आपके सपने ही मेरे संकल्प है। मेरी प्राथमिकता आप सभी युवा ही है। मैंने हमेशा देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है। इस विश्वास के कारण सरकार ने ऐसे फैसले किए हैं जो पहले की सरकारों में असंभव से लगते थे। हमारी सरकार ने आप सभी युवाओं के लिए ड्रोन से लेकर स्पेस सेक्टर तक को खोल दिया है। हमने स्टार्टअप नीति बनाकर आपके लिए बिजनेस के नए रास्ते बनाए हैं। हमने मुद्रा योजना के तहत आपको बिना गारंटी बैंक से लोन लेने की सुविधा दिया दी है। आप लोन लीजिए, गारंटी मोदी देगा। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट से लेकर
फॉर्म अटेस्ट कराने से मुक्ति तक आपके लिए हर चीज आसान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्पोर्ट्स सेक्टर में आपका टैलेंट आगे लाने के लिए खेलो इंडिया हो या इंटरनेट रिवॉल्यूशन के लिए डिजिटल इंडिया सभी आपके लिए है। आज देश में एक से बढ़कर एक हायर एजुकेशन के संस्थान खोले जा रहे हैं। आज देश में रिसर्च और इनोवेशन के लिए युवाओं को सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है। ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार आप पर विश्वास करती है, आपके लिए नए अवसर बनाना चाहती है। और अभी ये शुरुआत है। आज देश में पहले के मुकाबले दो गुनी तीन गुनी तेजी से नए हाईवे बन रहे हैं, नए रेलवे रूट्स का निर्माण हो रहा है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में जो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत के युवाओं को ही मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, उनके लिए हर सेक्टर में नई नई संभावनाएं बनेगी। आज ये जो आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, विस्टाडोम कोचेज शुरू हुए हैं, वो किसके लिए? मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए। अगले कुछ वर्षों में भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, ये किसके लिए? भारत के युवाओं के लिए। भारत की कंपनियों ने जो हजार से भी ज्यादा नए एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है, किसी एक देश ने हजार नए एरोप्लेन का ऑर्डर, ये खबर ही दुनिया को आश्चर्य होता है। ये भी रोजगार के नए अवसर भारत के युवाओं के लिए ला रहा है। आज भारत के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी से कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी तक, मोबाइल टावर से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक, सेमीकंडक्टर पर मिशन से लेकर मिशन हाइड्रोजन तक, एविएशन सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक, भारत में होता हर बदलाव मेरे नौजवानों आपके लिए है। इन बदलावों का हर रास्ता युवाओं के हित से होकर गुजरेगा। आपके लिए भारत में रोजगार के, स्वरोजगार के रिकॉर्ड नए अवसर बनने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण से जुड़ी भारत के नौजवान के हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं देश के युवा वोटर्स को भी ये भरोसा दूंगा, सरकार युवाओं के हित में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है
जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। साथियों, आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराहना करना चाहता हूं। आपने अमृत महोत्सव के दौरान जन भागीदारी की अद्भुत मिसाल कायम की है। भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या में अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया वो अभूतपूर्व है। समाज के हित में कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे उतना ही देश का भी भला होगा। युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है। उस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, माय भारत। अभी इस युवा संगठन को बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इससे 1 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। आप भी मेरा युवा भारत माय भारत संगठन से जरूर जुड़िए। आप अपनी बात, अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचाते रहिए। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। आइए, देश को बनाने के लिए आगे आइए, आप भागीदारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो। भारत के युवा ही बीजेपी के संकल्प पत्रों को गाइड करेंगे और आपके सुझावों में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, जो संभव लगेंगे और जो मोदी की गारंटी रहती है पूरा करने की, सिर्फ लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूं, वो सुझाव देने वाले युवाओं से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूंगा। कोई टीम उसको सिलेक्ट करेगी, आपके साथ बैठूंगा, गपशप करूंगा और अधिक जानने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपने देखा होगा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाओं को बहुत ही अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवंत वाइब्रेंट तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने विशेषकर शहर के लोगों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा है। वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी है। इस बार आपको लेटेस्ट वोट के साथ साथ लेटेस्ट मेक देम वोट पर भी काम करना है। आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया की जनरेशन वाले लोग हैं, यानी
आप सब एक बड़ी ऑडियंस से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छूटा हुआ है, उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं। कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छूट जाए। साथियों, युवा भारत की अमृत पीढ़ी के सामने तरक्की के जितने अवसर है उतने पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। सारा विश्व आज आपकी ओर देख रहा है। G20 के सम्मेलन में भारत और भारतीयता की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। हमें इस शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। आप आने वाले 25 वर्ष अपने कर्तव्यों के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे। इसी कामना, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको मेरी तरफ से जीवन के एक नए कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं, तब भारत का भाग्य लिखने वालों में आपकी भागीदारी बन रही है, तब जितनी शुभकामनाएं दूं उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।